पब्लिकी ऑफिस वीडियो आपको मैं चार पार्ट्स में दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको दिखाता हूँ चार्ली एंड ब्रूनो की ऑफिस, कैसे मैं इनको घुमाता हूँ। ये एक्चुअली 10 से 1 दिन पुरानी वीडियो है। ये देख सकते हैं ब्रूनो कैसे अटैक कर रहा है अदर डॉग्स के ऊपर। अभी इनको मैंने फ्री छोड़ा हुआ है, अभी कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ नहीं, बस अभी चलते रहो आराम आराम से। ये देख सकते हैं आगे भी स्ट्रीट डॉग्स कितने मिलते हैं, कैसे ये हैंडल करते हैं खुद, और ये कितनी मेरी बात मानते हैं। इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी आपको वीडियो में, कि इनको मैंने फ्री माइंड भी कैसे छोड़ा हुआ है और इंस्ट्रक्शंस भी कैसे फॉलो करते हैं और अदर डॉग्स के साथ भी कैसे अटैक करते हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको बहुत अच्छी लगेगी कि ऑफ लीश कैसे ट्रेंड करते हैं डॉग्स को या किस तरीके से रखना चाहिए आपको अपने डॉग्स को। और पब्लिक ही इतना हैंडल करना नहीं आसान होता है ऑफ लीश डॉग्स को, ठीक है। चलो चल चल, क्योंकि पब्लिक देखिए गाड़ी वगैरह भी चलती हैं, गाय भी आती हैं, डॉग्स भी आते हैं, दोनों में भी अलग स्टैमिना आ गया है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है हैंडल करने में, इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से ट्रेंड करने पड़ेंगे आपको डॉग्स को। देख रहे हैं कैसे बेटे के साथ जा रहे हैं, बेटा मेरा आगे चल रहा है साइकिल चला के। एक्चुअली हम आज अपने यहाँ जा रहे हैं वेस्टर्न ग्रीन फार्म हाउसेस में, जहाँ पे सब पब्लिक ही एक्चुअली मॉर्निंग वॉक के लिए सब जाते हैं घूमने के लिए। देख सकते हैं कितने सारे डॉग्स हैं, पर चार्ली ब्रूनो अपना हैंडल करते हुए सीधे सीधे चलते रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। बट अगर कोई डॉग इनके पास आ जाता है या करीब ज़्यादा आ जाता है तो उस कंडीशन में फिर ये उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फाइट जब भी नहीं लड़ते हैं, बस उनको डरा देते हैं, उनको उनका औकात याद दिलाते हैं कि भाई दूर रह थोड़ा सा, नहीं तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए। ये देख सकते हैं कैसे पब्लिक ही रोड पे, इतना आसान नहीं होता है डॉग्स को हैंडल करना और घुमाना, पर चार्ली और ब्रूनो काफ़ी ट्रेंड है। चार्ली मेरी फुल ट्रेंड है, वो इजीली एक बार में बात समझ जाती है, और ब्रूनो को मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी है। मोस्ट लगा लीजिए आज 1 साल का हो गया, तो 1 साल में मुश्किल से इसको 4 से 5 घंटे मैंने ट्रेनिंग दी होगी, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। और चार्ली को भी मैं काफ़ी कम ट्रेंड करता हूँ, अभी इतना मैं फोकस नहीं करता हूँ ज़्यादा ट्रेंड में, बस इजीली 2-4 चीज़ें सिखा के रखता हूँ ताकि बस मेरी बात को समझ आए, किसी के ऊपर अटैक ना करें। अगर इनको अच्छे से मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दूँ तो काफ़ी अच्छी ट्रेंड हो सकती है। ये देख सकते हैं कितने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, सब अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए चार्ली बीच में घुस जाती है, तो एक्चुअली ये चार्ली पूरा कॉन्फिडेंस में रहती है, चाहे उसके पास आसपास कितने भी डॉग्स हो, वो मतलब सबको अपने हल्के में ही लेती है, चाहे कैसा भी डॉग हो। क्योंकि चार्ली को शुरू से ही मतलब इस तरीके से मैंने सिखा के भी रखा है कि मतलब डरना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम एक्टिव रहना है प्रॉपर। ये देख सकते हैं ब्रूनो चार्ली स्लो, तो ऐसे ही आप अपने डॉग को ट्रेन रखिए, हरदम ऑफ लीश घुमाइए, वो आदत आपको शुरू से ही बनानी पड़ेगी अपने डॉग्स के साथ। ये देख सकते हैं अभी फार्म हाउसेस में आ गए हम अपना, यहाँ पे पब्लिक ही सब घूमते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे भी कैसे हैंडल करता हूँ मैं डॉग्स को। आगे भी काफ़ी डॉग्स मिलेंगे स्ट्रीट डॉग्स, तो इनको जब तक मैं फ्री बोल दूँगा ओके गो, तो मतलब ये रिलीज़ हैं, अपना कुछ भी मस्ती मार सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, मेरे से एकदम फ्री है। इनको मैंने जो इंस्ट्रक्शंस सिखा रखे हैं ये इसको बराबर से फॉलो करते हैं। अब ये देख सकते हैं फ्री चल रहे हैं, मेरे से कोई वो नहीं है कि इनको कि मैंने इनको कोई इंस्ट्रक्शन दे के रखा हूँ कि मेरे को फॉलो ही करना है, अपना फ्री माइंड चल रहे हैं अभी। पब्लिक ही एक्चुअली आपको अपने डॉग पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो आपकी बात को समझ सके और आप भी उसकी फीलिंग को समझ सके। ये देख सकते हैं ब्रूनो काफ़ी अच्छा हो गया, और दोनों की मैंने कम बैक कम ब्रूनो की मैंने नीचे से भी कटिंग करके रखी है, देख सकते हैं अभी चार ले डॉग, यहाँ पर भी काफ़ी डॉग्स मिल जाते हैं जो ब्रूनो को चार्ली को काफ़ी तंग करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट कल अपडेट करता हूँ मैं आपको, इसके आगे की वीडियो।
थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।